तो गाइज आज की वीडियो में हमारे पास दो स्मार्ट वॉचेज हैं एंड दो स्मार्ट वॉचेज में पहली है बोट की आयरिस स्मार्ट वॉच 4,500 रुपये के बजट पे आती है। दूसरी है आपकी नॉइस की इवोल्व 2। हालांकि कंपैरिजन आयरिस का होना चाहिए था अल्ट्रा 2 के साथ, नॉइस के अल्ट्रा 2 के साथ, बट दिक्कत ये है ये काइंड ऑफ एक यूजलेस स्मार्ट वॉच है। 4,500 रुपये प्राइस यहाँ पर रखा हुआ है, बट फीचर्स वगैरह आपको काफ़ी कम मिलते हैं। बट स्टिल मैंने सोचा कि जो कि हमारे पास नॉइस की इवोल 2 है, वो लोग जो चाहते हैं थोड़ा बजट अपग्रेड करके बोट की आयरिस लेना, तो क्या उनके लिए या थोड़ा कम बजट में आप आइदर जो है नॉइस की इवोल 2 ले या फिर नॉइस की अल्ट्रा 2 ले अगर आप का बजट अंडर 5,000 रुपीज है। तो चलिए गाइस बिना किसी डिले के ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के फीचर्स, इन दोनों के सेंसर्स एंड क्या क्या यहाँ पे आपको कमी मिलती है कौन सी स्मार्ट वॉच में एंड किस चीज़ के लिए आप कौन से स्मार्ट वॉच को इग्नोर कर सकते हैं। तो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चेस टेक, देख लेते हैं इनकी कंपैरिजन वीडियो। तो गाइस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू जो करेंगे वो करेंगे बोट की आयरिस स्मार्ट वॉच का। तो देखने में काफ़ी बढ़िया स्मार्ट वॉच है, लेदर के स्ट्रैप के साथ आपको मिलती है। तो क्या एंड कैसे ये फीचर्स है एंड डिस्प्ले साइज क्या है। तो डिस्प्ले साइज आपको मिलता है 1.39 इंचज का, एमोलेड पैनल मिलता, काफ़ी बड़ा पैनल है एंड एक एवरेज लाइक आदमी के लिए ये काफ़ी सही है। तो फीमेल्स वगैरह इसको इग्नोर कर सकती हैं, काफ़ी बड़ा डायल है तो वो चीज़ आपको अगर शूट करती है एंड आपको पसंद है देन डेफिनेटली गाइस बड़े डायल वाली बोट की आयरिस यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस रहने वाली है। मेटेलिक फ्रेम मिलता है, मेटेलिक में कुछ भी क्लियर नहीं है, स्टील मिल रहा है आपको, एल्यूमिनियम मिल रहा है, बट काइंड ऑफ आपको मिक्सचर मिल रहा है, मे बी स्टील आपको यहाँ पे मिलता है। तो ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं किए गए। अदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैप्स में अवेलेबल है, हमने परचेज किया था लेदर वाला स्ट्रैप 4,500 रुपये की, ये ब्लू कलर में स्मार्ट वॉच हमें मिली थी। तो 454x454 का यहाँ पे आपको पिक्सल रेशियो मिल जाता है, तो स्क्रीन काफ़ी ब्राइट है। तो वही है इसकी मेन हाईलाइट एंड यहीं पे आके सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंसर्स की बात करें तो सेंसर आपको मिलते हैं हार्ट रेट, SpO2, स्लीप एंड आपका स्टेप काउंट वगैरह सेंसर, उसके अलावा आपको कोई भी अदर सेंसर नहीं दिया हुआ। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वो चीज़ रह जाती है। अगर आप एक बात करें 4,500 रुपये की घड़ी की, तो दो सेंसर, ना आपको यहाँ पे क्विक रिप्लाई का सपोर्ट मिलता, ना ही आपको स्ट्रेस मॉनिटर, BP, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर कुछ भी नहीं मिलता। अगर बात करें हम यहाँ पे स्पोर्ट मोड की, तो स्पोर्ट मोड आपको कितना मिलता है, टोटल 8 स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं 8 स्पोर्ट मोड। तो वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनसेट आपको करना पड़ेगा। अदर देन दैट आपको मिलता है वाटर रेस्ट एंड की बजाय वाटर प्रूफ की बजाय वाटर रेजिस्टेंट ये मिलता है। तो आप स्विंग का मोड ऑप्शन दिया हुआ है, बट डोंट नो कि आप वो चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन गाइज यहाँ पे रिस्ट टू वेक का ऑप्शन आई थिंक है या नहीं है वो मैं अभी क्लियर नहीं बोल सकता, क्योंकि कई बार ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो आई थिंक एम्बियंट सेंसर, लाइट सेंसर कुछ दिया हुआ है एंड रिस्ट टू अवेक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ बोट ने। टू अवेक की जगह यहाँ पे आपको वेकअप जेस्चर मिलता है, तो हाँ वो चीज़ आप कर सकते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर फीचर है तो ठीक है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। स्पोर्ट मोड सिर्फ 8 मिलते हैं एंड बैटरी लाइफ आपको 8 दिन का मिल जाता है। तो ये था बोट की आयरिस स्मार्ट वॉच के बारे में कि आपको इस वॉच के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी। देन मूव करते हैं आपकी फेवरेट नॉइस की इवोल 2। तो ये इवन फॉर वुमेंस एंड गर्ल्स दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। डायल का साइज़ आपको मिलता है 1.19 इंचज, तो वो थोड़ा स्मॉल साइज में राउंड डायल की दोनों स्मार्ट वॉचेज हैं। बट आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बेटर मिलती है, तो आप इसको पानी में लेके स्विम कर सकते हैं एंड 50 मिनट तक अंडर 30 मीटर पानी ये सर्वाइव कर सकती है।
आपको मिलता है एक एल्युमिनियम का पैनल, एल्युमिनियम की यहाँ पे बोरी मिलती है, फ्रेम मिलती है, इतना प्रीमियम फील नहीं होता जितना बोट का है, बट स्टिल यहाँ पे आपको मिलता है मेटेलिक फ्रेम। सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रैप आपका चेंजेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। अदर देन दैट आपको काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है, रिस्ट टू लाइक वेकअप का भी ऑप्शन यहाँ पे है एंड वो बंद भी हो जाता है। ओके, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिलती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का साथ है। हालांकि दो यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं आपको चूज करने के लिए, बट स्टिल ऑप्शन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि बोर्ड की तरह उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे आएंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। देन आपको मिल जाता है क्विक रिप्लाई का सपोर्ट, कॉल डिस्कनेक्ट का सपोर्ट, कैमरा, म्यूजिक कंट्रोल, एंड उसके अलावा गाइस आपको मिलते हैं 12 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट मोड, जो आप बड़ा ही प्यार से आसानी से अपने बटन्स के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मिलती हैं आपको, बट स्टिल कुछ चीज़ें इसमें भी मिसिंग है, बट इतना मिसिंग नहीं है जितना कि आयरिस में है। आयरिस में तो काफ़ी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी कम स्पोर्ट मोड मिलते हैं, देन आपको जो है अदर फीचर्स लाइक क्विक रिप्लाई वगैरह नहीं मिलता। तो जो है नॉइस की बोल टू किन किन टर्म्स में आगे हैं, तो वहाँ पे आपको मिलता है 12 स्पोर्ट मोड इंस्टेड ऑफ 8। तो स्पोर्ट मोड में मैं बोलूँगा यहाँ पे बोट के आगे हैं नॉइस की इवोल्व टू। उसके अलावा क्विक रिप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर लाइक रिस्ट वाला जो सेंसर होता है, रिस्ट अवेक वो सेंसर आपको मिलता है। देन 3 ATM ये सपोर्ट करती है, तो वाटर रेजिस्टेंट है, दोनों में एमोलेड पैनल है, साइज में थोड़ा डिफरेंस है, बट स्टिल वो आपकी प्रेफरेंस, आपको कितने बड़ा डायल का वॉच चाहिए। तो अगर आपको बड़ी डायल की वॉच चाहिए एंड अगर आपको राउंड वॉच नहीं चाहिए, देन डेफिनेटली आप अल्ट्रा 2 के लिए जा सकते हैं नॉइस की। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा नॉइस की एवोल्व 2, काफ़ी बेटर है बोट की आयरस से। तो गाइज अगर आप इन टर्म्स ऑफ UI बात करें स्मार्ट वॉचेज की, तो UI दोनों का मुझे कुल मिला के ठीक ठाक लगा। एंड अगर आप बैटर की बात करें तो बैटर में अगेन नॉइस की यहाँ पे जो UI है वो स्लाइटली बेटर आपको परफॉर्म करती हुई दिखेगी। बोट में काफ़ी लोगों को लैग का इशू आया, लाइक UI भी इसकी लैग करती है, तो वो प्रेफरेबल नहीं है। आप जो है नॉइस की एवोल्व 2 ले सकते हैं, बेटर UI आपको मिल जाती है एटलीस्ट जो यहाँ पे बोट की स्मार्ट वॉच है उससे, तो आपको बेटर यहाँ पे UI मिलती है, एंड टच का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बेटर आपको मिलता है। तो गाइस इन दोनों वॉचेस का कंपैरिजन ऐसा था लाइक अंधों में काना राजा काइंड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि एक वॉच एक्सपेंसिव है सिर्फ और सिर्फ वर्क एंड पैसे आपके ले जा रहे हैं इसकी 1.39 इंच की बड़ी डिस्प्ले के लिए एंड एमोलेड पैनल के लिए। हालांकि नॉइस भी सेम काइंड ऑफ थिंग कर रहा है, बट जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है एंड फीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, प्राइस भी थोड़ा रीजनेबल है अगर आप आयरिस से कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली अगर 5,000 रुपीज़ का बजट है आयरिस तो भूल के भी मत लीजिए। सेंसर वगैरह आपके इतने एक्यूरेट नहीं हैं दोनों वॉचेज के, एंड इन टर्म्स ऑफ सेंसर अगेन यहाँ पे कौन से विनर है तो वो कहना मैं बोलूँगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दोनों के सेंसर्स मैंने ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं इनकी वीडियोज़ में, बट अगेन यहाँ पे बोलना चाहूँगा नॉइस के स्लाइटली जो है डाउन साइड है, हार्ट रेट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव लाइक डिफरेंस था एंड बट बोट के सेंसर थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं नॉइस से, तो वो चीज़ है। एंड अगेन अगर आपका बजट 4,000 रुपीज़ है वेस्ट मत कीजिए मनी, काफ़ी हार्ड तरीके से आपने कमाया होगा लाइक वर्क करके, तो वो चीज़ आप वेस्ट मत कीजिए ऐसे यूजलेस प्रोडक्ट्स पे, एटलीस्ट मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा। तो गाइज 5,000 रुपीज़ के बिलो आप आइदर फायरबोल्ट की जो है स्मार्ट वॉच आ रही है अलमाइटी वो ले सकते हैं जो कल लॉन्च होगी, या फिर आप जो है नॉइस की अल्ट्रा 2 ले सकते हैं, वो भी काफ़ी मज़ेदार स्मार्ट वॉच है, ढेरों सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड। तो ये तो आप वॉच प्रेफर कीजिए, एंड एज 4,000 रुपीज़ में पेबल की भी एक स्मार्ट वॉच लीप करके आई गेस लॉन्च हुई है, तो वो
कॉल का भी फंक्शन देते हैं, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटरलाइन स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय बाय गाइस।